काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा में खुले बोरवेल में गिरे के कारण बच्चे के जान जाए के बाद अब मध्य प्रदेश प्रशासन सतर्क मोड पर आ गया है। बता दें कि रीवा के घटना के बाद प्रशासन सख्त होत नजर आ वाला है, जहां अब खुला बोरवेल के जानकारी दिए पर लोगन का पुरस्कृत कीजिए। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना बच्चे सभी जरिन का प्रणाम करी थे शुरू करी थी बड़ी खबर से। बता दें कि इंदौर संभागायुक्त के द्वारा हर जिला के कलेक्टर का गंभीरता से खुला बोरवेल के जाँच करे के आदेश दिए गए। हाँ, ये मामले में सख्ती बरते खुला बोरवेल का बंद करे के निर्देश दिए गए। जानकारी के मुताबिक संभागायुक्त दीपक सिंह के द्वारा निर्देश इनका के लोग के सुरक्षा का लेके सरकार जो है चिंतित है। हर जिला में खुला बोरवेल का बंद करावे के काम गंभीरता से की जाए चाहिए। संभागायुक्त के द्वारा वीसी के माध्यम से हो वाले चर्चा में गर्मी के दौरान पेयजल आपूर्ति पर ध्यान दे के बात कही गई। ये बैठक में धार कलेक्टर प्रियांक मिश्र के द्वारा बताया गया कि जिला में सरकारी तंत्र के माध्यम से खुला बोरवेल के जानकारी दी जाला ही। एक अलावा जब कोनो नागरिक के द्वारा खुला बोरवेल से सूचना दी जाए तो उनका पुरस्कृत की जाए। बैठक में विभिन्न जिला के कलेक्टर के द्वारा अपने जिला में विफल नलकूप सहित खनन किए जाए वाले तमाम बोरवेल के बारे में संदर्भ संग्रहित कर लिया गया है। दूसरी कई जानकारी राजस्व पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से पुष्टि की जा रही है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।